नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है excelexpert@.com। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन गैंट चार्ट बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क प्रायोरिटीज। तो वर्क जैसा आपका प्रायोरिटीज रहेगा उसके हिसाब से आप गैंट चार्ट को सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, इस टेबल की मदद से हम गैंट चार्ट बनाएंगे। जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा और ये प्रायोरिटीज यहाँ पे मैंने लिख दी है, जैसे कि हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो रिस्क, ये सब स्टेटस की मदद से हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रोग्रेस बार चार्ट भी किस तरीके से अपडेट करते हैं वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कुछ डेटा अभी ये नई एक्सेल फाइल में कॉपी करके रखा हुआ है। ये प्रोडक्शन गैंट चार्ट है जिसमें हम प्रोजेक्ट, ड्राइंग नंबर, डिस्क्रिप्शन, असाइन टू, ये आपके रिसोर्सेस रहेंगे जिनका नाम आपको इसमें डालना है। प्रोग्रेस, स्टेटस, लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम, इंक्लूड मशीनिंग, ये टास्क स्टार्ट एंड डेट, एक्चुअल स्टार्ट एंड एंड डेट, ये सारे फीचर्स हमें ऐड करने हैं। तो ये फीचर ऐड करने का क्या प्रावधान है ये भी हम देखेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डाल दिया है डेज रिमेन टू फिनिश योर टास्क, ये भी यहाँ दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डालनी होगी गैंट चार्ट में डेट। तो डेट का फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 15 फेब 2021। अब इस डेट को फॉर्मेट करने के लिए इसमें आपको राइट क्लिक करके जाना होगा फॉर्मेट सेल्स और इस टेक्स्ट को वर्टिकल कर लेना होगा। वर्टिकल कर लेने के बाद, यानी कि आपको स्पेस कम से कम लगे, वर्टिकल करने के बाद आपको ये स्टार्ट डेट, कैलेंडर स्टार्ट डेट जो हमने बना के रखी है, इसको आपको इक्वल्स टू करके कैलेंडर स्टार्ट डेट दे देनी है। तो यहाँ से आप हमेशा कैलेंडर की स्टार्ट डेट चेंज कर पाओगे। और जैसे कैलेंडर डेज भी हमने उसमें ऐड किए हुए, वो ऐड करने के लिए जब नेक्स्ट डेट हम डालते हैं तो पहले वाली डेट प्लस कैलेंडर डेज को हम ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने कैलेंडर डेज लिख दिए हैं, जो सेल आएगी J1। तो हमने अभी ये कैलेंडर डेज पे J1 को ऐड कर दिया है और उसको लॉक भी कर दिया है, तो J1 चेंज ना हो। M3 को भी हम लॉक करेंगे जो सेल का नंबर है, तो हमें M चेंज करना है पर थर्ड रो हमें चेंज नहीं करनी है। फॉर्मेटिंग सेम रखना है, जैसे 15 फरवरी को हमने वर्टिकल किया था इसे भी हमें वर्टिकल कर देना है। अब इसी को हमें पुल डाउन करना है। जैसे ही आप उसको पुल करते हो सारे डेट्स आपके आ जाते हैं। तो जहां तक आपको कैलेंडर चाहिए वहां तक आप इसको पुल करके ले जा सकते हो। तो मैंने अभी मई तारीख तक पुल कर दिया है, 12th ऑफ मई तक। तो ये मेरा कैलेंडर बन चुका है। अभी मुझे यहाँ पे डालनी है डे। तो जैसे मुझे 15 फरवरी को कौन सा डे है ये भी तो जानना है जब मैं गैंट चार्ट बनाऊंगा, बिकॉज मुझे पता चलना चाहिए। जैसे अभी 15 को मंडे है तो मुझे पता चलना चाहिए कि आज मंडे है या फिर संडे है, तो उस टाइम को मैं अपनी मैन पावर अलोकेशन ना करूं और मुझे वो चार्ट देख के ही पता चल जाए। वो पता करने के लिए आपको यहाँ पे डेज चाहिए, एक फॉर्मूला डालना है लेफ्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे M3 मतलब आपकी जो डेट है वो, और DDD का मतलब है सिर्फ आपका डेट का, डे का पहला अक्षर लेगा। जैसे मंडे है तो सिर्फ M लेगा, संडे है तो सिर्फ S लेगा, और comma 1, तो ये सिर्फ एक ही अक्षर उसमें से लेगा। तो यहाँ पे आ गया मंडे, जैसे हमने कैलेंडर में अभी देखा था। और अब इसको करेंगे पुल। तो पुल आखिरी जहां तक हमने डेट को पुल किया था वहां तक इसको पुल करके ले जाना है। पुल करने के बाद आप देखेंगे कि डेज के हिसाब से सारे, डेट के हिसाब से सारे डेज आ चुके हैं। तो हमारा कैलेंडर दोस्तों अभी सेट हो चुका है। अब हम सेट करेंगे प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार को सेट करने के लिए हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो एज पर यहाँ पे जितनी प्रोग्रेस नजर आ रही है हमें वो बार में, बार फॉर्मेट में दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम एक रूल बनाएंगे सिंपल सा। न्यू रूल में जाएंगे, जो पहला ही फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड है,
उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट स्टाइल में जाके हम लोग डेटा बार को सिलेक्ट करेंगे। डेटा बार को सिलेक्ट करने के बाद हम टाइप में मिनिमम और मैक्सिमम की जगह पे नंबर ही लेंगे और मिनिमम की जगह पे डालेंगे 0, मैक्सिमम की जगह पे डालेंगे 1। कलर भले ही हम जो चाहे वो रख सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो जो कुछ भी वैल्यू उस प्रोग्रेस सेल में होगी उसके हिसाब से बार अभी आपका सेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम प्रोग्रेस बार को सेट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे 90% अगर कर देता हूँ तो प्रोग्रेस बार भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग प्रोग्रेस बार भी सेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि असाइन टू के लिए जो एम्प्लॉयज हमने लेके रखे उनको ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैसे लेना है। उनको लेने के लिए मैंने यहाँ पे मैन पावर बुकिंग का एक सीट बना दिया है। वर्कर नेम डाल दिए हैं, मैंने 20 वर्कर्स के नेम नाम डाले हैं। जो आपके वर्कर्स होंगे उनके डायरेक्ट नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। डिपार्टमेंट उनके इफेक्टिव आवर्स पर डे पर वीक पर मंथ पर ईयर के हिसाब से डाला है और स्टार्ट और टास्क एंड डेट भी डाला हुआ है। टास्क स्टार्ट और टास्क एंड डेट किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। और यहाँ पे आपको कैलेंडर भी इसका ऐड करना पड़ेगा। तो आपका एम्प्लॉई 1 कहाँ से कौन से डेट तक बुक है वो इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा। तो आपको उस बंदे को या उस एम्प्लॉय को उस रिसोर्स को अलोकेट करना आसान हो जाता है। चलो तो यहाँ पे हमने असाइन टू में एम्प्लॉय ये लिस्ट ले ली है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा डेटा वैलिडेशन को, यहाँ पे वैल्यूज में लिस्ट ले लूंगा, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा वर्कर नेम को और कर दूंगा क्लिक ओके। तो ये मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए मैं फटाफट इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके सारा नेम और बाकी फॉर्मेट डाल देता हूँ तो आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव हो। जैसे अभी स्टेटस में मैंने डाल दिया है ऑन ट्रैक, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, अनअसाइन एंड इंक्लूड मशीनिंग। इसके हिसाब से हम बार चार्ट को अलग अलग कलर में बांटेंगे। तो हमें बार चार्ट का कलर देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा टास्क इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी स्टार्ट डेट है और एंड डेट है, ये दोनों डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से हम बार चार्ट बनाएंगे। अब एक्चुअल आवर्स में यहाँ पे डालूंगा, तो जैसे मैंने स्टार्ट डेट डाल दी और एक्चुअल आवर्स डाल दिए और रिसोर्सेस यहाँ पे डाल दिए तो अलोकेटेड डेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे और रिमेन डेज इंक्लूडिंग और कैलकुलेटिंग टूडेज डेट भी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि आप देखोगे टास्क एंड डेट, टास्क एंड डेट में मैंने ये फॉर्मूला डाल दिया है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप कॉपी कर सकते हो, या फिर मैं स्क्रीन पे भी इसको दिखा दूंगा जहां से आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है सिर्फ कि टास्क एंड डेट कैलकुलेट की है वीकेंड्स और हॉलीडेज को इंक्लूड करके। तो अगर मैं यहाँ पे 20 घंटे डालता हूँ तो उसके हिसाब से 18 फरवरी प्लस 20 घंटे डेली शिफ्ट में 8 आवर्स की पकड़ रहा हूँ, तो आपकी डेली शिफ्ट 8 आवर्स की कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट करता है 20th ऑफ फरवरी। अगर मैं इसको, ये एक्चुअल में आनी चाहिए थी 21st ऑफ फरवरी, क्योंकि तो यहाँ पे देखेंगे मैंने 30 आवर्स डाला है तो आपका 22nd ऑफ फरवरी आ चुका है, तो इसने संडे इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो इस फॉर्मूला की यही खासियत है, ये वीकेंड्स और हॉलीडेज आपके कैलकुलेशन में अपने आप इंक्लूड कर देता है। ये फॉर्मूला मैंने नीचे दे दिया है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो इस फॉर्मूला को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो जैसे कि टास्क एंड डेट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे इफ फंक्शन यूज किया है। तो जैसे हमारा टास्क एंड डेट अभी आ रहा है 22nd ऑफ फरवरी, तो अभी ये फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारी स्टार्ट डेट थी 18th ऑफ फरवरी और 30 आवर्स के हिसाब से 21st ऑफ फरवरी आना चाहिए था, बट इसने संडे इसमें इंक्लूड करके रिजल्ट दिया है 22nd फरवरी।
तो अभी देखते हैं इस फॉर्मूला को। जैसे मैं टास्क एंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ और H5 को मैं देता हूँ इक्वल्स टू डबल कोलन। तो ये डबल कोलन का मतलब है अगर H5 मतलब स्टार्ट डेट में कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो आगे आपका रिजल्ट टास्क एंड डेट में जीरो ही आएगा। फिर उसके बाद देता हूँ सेकंड फंक्शन जो मैं वैल्यू इफ ट्रू होगी लॉजिकल टेस्ट देने के बाद तो वर्क डेज इंटरनेशनल में मैं कर रहा हूँ कि H5 इज माय स्टार्ट डेट और उसके बाद मैं एक्चुअल आवर्स को मेरे वर्क डे शिफ्ट आवर्स से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे पर डे मिल जाएगा। 11 मेरा वीकेंड है तो वीकेंड हमारा संडे है इसलिए 11 आता है। ये एक्सेल का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। अगर सैटरडे संडे होगा तो 10 आएगा। जैसे ही आप फॉर्मूला डालोगे इसमें आपको वो शो करेगा। अगर ये वैल्यू ट्रू है देन आपका आता है लास्ट वाला फंक्शन जो नॉन वर्किंग डेज है। नॉन वर्किंग डेज मैंने यहाँ पे नीचे मार्क करके रखे थे, वहां से मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है। A3 to A26 आर माय नॉन वर्किंग डेज, तो वो उसमें डाल देता है। तो ये रहा दोस्तों, इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट होता है और वर्क होता है। और उसके ऑन द बेसिस ये 30 आवर्स आप डालते हो तो 22nd ऑफ फेब्रुवरी आपका रिजल्ट देता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अलोकेटेड डेज निकालते हैं। तो अलोकेटेड डेज निकालने के लिए मैं क्लिक करूंगा टास्क एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, जो बड़ा आसान है। अभी हम डेज रिमेन कैलकुलेट करेंगे। डेज रिमेन कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने दे दिया है कि J5 में अगर कोई वैल्यू नहीं होती है तो रिजल्ट भी आपका डेज रिमेन में जीरो ही आएगा। उसके बाद नॉन नेट वर्क डेज आता है और जो इंटरनेशनल है, टूडेज डेट आती है आपकी और उसके बाद आता है J5। तो लॉजिकल टेस्ट एक आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी इफ लगा के, जिसमें स्टार्ट डेट आपकी आएगी एज अ स्टार्ट डेट जो दी हुई है, उसके बाद आपका आएगा एंड डेट। तो ये 11th ऑफ आपका 11th इज अ संडे है एंड नॉन वर्किंग डेज मैंने फिर से इसमें ऐड कर दिए है। तो इस तरीके से आपके डेज रिमेन का फॉर्मूला भी वर्क करता है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि गैंट चार्ट को हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए हमें इस दिए गए सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें जाना है होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मेक अ न्यू रूल। अब उसके लिए हमें ये स्टार्ट डेट और एंड डेट जहाँ पे हमें ये बार बना सके इस तरीके से फॉर्मेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने इस सेल पे क्लिक किया है तो यहाँ पे जो कोई भी आज की डेट रहेगी सबसे पहले हम उसे हाईलाइट करना सीखेंगे। ये हाईलाइट इसलिए करना है क्योंकि इसके बाद का जो टास्क है वो हमें पता चले कि ये हमारा टास्क पीछे पड़ रहा है। तो ये जानने के लिए हमें हमेशा टुडेज डेट को हाईलाइट करके रखना होगा और ऑटोमेटिकली जैसे डेट आगे जाएगी ये टुडेज डेट हर बार आप जब हर दिन जब आप ये फाइल ओपन करोगे ये दो लाइनें हाईलाइटेड आपको दिखाई देगी। उसके लिए हमें न्यू रूल्स में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट और वहाँ पे ये फॉर्मूला देना है। ये फॉर्मूला करता ये है कि आज की डेट को अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू M3 मतलब आपके स्टार्ट वाले डेट से मतलब 15 से ज़्यादा होगी या फिर टुडेज डेट N3 मतलब नेक्स्ट डे से कम होगी तो उन दोनों लाइंस को वो हाईलाइट कर देगा। तो ये फॉर्मूला ये काम करता है। इसके लिए अब हमें M3 और N3 तीनों में से N और M को लॉक नहीं करना है, रो को लॉक करना है। अब हम जाएंगे फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसके बॉर्डर्स को रेड लाइन सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बॉर्डर्स के दोनों सिलेक्ट कर दिए हैं बट अभी तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है। इसका मेन रीज़न है कि हम अब तक जो अप्लाइज टू में हैं वहाँ पे सारी सेल्स सिलेक्ट करके नहीं डाली है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए
हम इस अपर वाले जाने वाले एरो को क्लिक करेंगे और टोटल सारी जितनी भी सेल्स को हमें ये रूल अप्लाई करना है वो सारी रोज सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे अप्लाई एंड ओके को। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे आज के दिन आपका हाईलाइट हो रहा है। तो यह हाईलाइट आपको इस्तेमाल होगा जब आपका टास्क कोई इस डेट के पीछे रहेगा तो इमिडिएटली आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम ऑन टास्क या फिर लो रिस्क हाई रिस्क इन जॉब्स को हाईलाइट कर सकते हैं अलग अलग बार्स में, अलग अलग कलर के बार्स में। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर एक रूल अप्लाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन में जाएंगे, वहां पे इस फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको नीचे दे दिया है। इसमें होता यह है कि ऑन ट्रैक जॉब अगर G5 इक्वल्स टू, मतलब ये जो G5 सेल है इज इट इक्वल्स टू ऑन ट्रैक जॉब रहेगा तो ही आपको ये कलर इसमें नजर आएगा जो कलर आप इसको देंगे। तो डेट मतलब आपका कैलेंडर डेट जो ऊपर दिया है 15th of February, वो डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टास्क स्टार्ट डेट जो होगा, या फिर वही डेट लेस देन और इक्वल टू टास्क एंड डेट रहेगा तो उसके बीच में का पीरियड आपको अलग कलर में हाईलाइट हुआ दिखाई देगा। तो अभी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर सेटिंग करता हूँ। ये कलर मैंने चूज कर लिया है, ओके क्लिक किया और अभी ओके क्लिक किया। इसके लिए अभी मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी, फॉर्मेटिंग में जाके अप्लाई टू में सेम सेल जो मैंने पहले सिलेक्ट किए थे उन्हीं को अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने ये अप्लाई कर दिया है तो देखिए दोस्तों जितने भी टास्क मेरे ऑन ट्रैक थे वो सारे ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। ये तीनों टास्क दिख रहे हैं तो वो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने अदर टास्क भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि लो रिस्क जॉब अब मैं अगर सेट करता हूं तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैं इसी रूल को कॉपी करके एक नया रूल बनाता हूं, न्यू रूल, देन गो टू द सेम, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन और वहां पे कॉपी करके सिर्फ ऑन टास्क जो या ऑन ट्रैक जॉब था या उसको चेंज करके मैं लो रिस्क लिख देता हूं। याद रखिए जो स्टेटस बार में आपका एग्जैक्ट स्पेलिंग होगा वही स्पेलिंग आपको यहां पे देना पड़ेगा। अगर वो गलत हो गया तो आपका जॉब दिखाई नहीं देगा, आपका बार दिखाई नहीं देगा। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ओके क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, बट अप्लाई टू में हम सेम सेल्स को ये रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कि लोरिस जॉब भी हाईलाइट होना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग कलर दे सकते हैं। आपका समय सेव करने के लिए मैं आगे वाले चार लो रिस्क से लेके आगे वाले चार जॉब्स को आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से आप सेम फॉर्मूला यूज करके सिर्फ आपको ऑन ट्रैक जॉब को लो रिस्क का मीडियम रिस्क इतना चेंज करना है तो आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग बार चार्ट कलर दिखा सकते हैं एक ही बार चार्ट में। अब हम सिलेक्ट करेंगे किस तरीके से हम वीकडेज को हाईलाइट करते हैं। वीकडेज को हाईलाइट करने के लिए मैं जाऊंगा अपने डेट फॉर्मेट में, वहां पे फॉर्मूला डालूंगा वीकडेज का और अलग कलर इसके लिए सिलेक्ट करके अप्लाई टू सेम सेल्स में करके ओके क्लिक करूंगा। तो वीकडेज का फॉर्मूला भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। अब इन वीकडेज को आपको अगर इन सारे बार्स के पीछे ढकेलना है तो आपको उसकी सीक्वेंस अलग करनी पड़ेगी। अब ये सारे वीकडेज आपके बार चार्ट के ऊपर है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इस वीकडेज को हम लिस्ट में सबसे नीचे लगा देंगे और अप्लाई करेंगे।
जैसे ही मैं अप्लाई हिट क्लिक करता हूँ, मेरे सारे वीकेंड्स के जो कलर है वो बार चार्ट के पीछे चले गए, क्योंकि बार चार्ट के कलर हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीकेंड का फॉर्मूला आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वहां से कॉपी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने हॉलीडेज भी मार्क इसमें कर सकते हैं। अगर आपको हॉलीडेज मार्क करने हैं तो ये लिस्ट मैंने हॉलीडेज की यहाँ पे रख दी है। इसी लिस्ट को हमको हाईलाइट करना है। इस लिस्ट को हाईलाइट करने के लिए एक नया रूल हम बनाएंगे। उस रूल को इन नंबर लुकअप वी लुकअप लगा के इसको हम यूटिलाइज करेंगे। ये भी फॉर्मूला मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, वीडियो को छोटा रखने के लिए आप इन फॉर्मूलाज को कॉपी करते जाइए और इसको यूटिलाइज कर लीजिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी टाइम सेव होगा। मैंने इन सारे फॉर्मूलाज का अलग वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसमें ये सारे फॉर्मूले मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव में एक्सप्लेन कर दिए है। तो ये वीकडेज नॉन वर्किंग डेज मैंने A3 to A26 में सिलेक्ट कर लिए हैं, जो इस टेबल में आपको सामने नजर आ रहे हैं हॉलीडेज लिस्ट में। इसमें मैं अलग कलर सिलेक्ट कर दूंगा, ओके करूंगा और सेम सेल्स को मैं ये रूल अप्लाई करूंगा, अप्लाई ओके। आप देखेंगे ये हॉलीडेज यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे हैं। हॉलीडेज का फॉर्मूला नीचे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अप्लाई एंड ओके, इसको भी आपको लिस्ट में सबसे नीचे लगाना है, ऊपर नहीं लगाना है, नहीं तो आपका कलर ओवरलैप हो जाएगा। अभी दोस्तों आगे हमको देखना है कि जैसे मैं इसको लो रिस्क टू ऑन ट्रैक करता हूँ, या फिर जो कोई भी कलर में जो कोई भी स्टेटस इसका बदलता हूँ, तो उसके हिसाब से अपने आप आपके बार्स के कलर चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये गैंट चार्ट को हमने फॉर्मेट कर लिया है। अब हमें देखना है कि जैसे आपका प्रोग्रेस बार आगे बढ़ता है, उसी तरीके से आपका गैंट चार्ट का बार भी हाईलाइट होना चाहिए। इसका मतलब अगर 40% आपका प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है, तो 40% ऑफ द बार चार्ट आपका लाइट कलर में नजर आना चाहिए, तो जाके आपको टुडेज डेट हाईलाइट करने का फायदा मिलेगा, जो सबसे पहले हमने किया था। इसके लिए हम एक नया रूल बनाएंगे। वो रूल आपका रहेगा, जिसमें हमने ये फॉर्मूला कॉपी करके दे दिया है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने कॉपी कर दिया है। फॉर्मूला का मीनिंग हम शॉर्टकट में बताते हैं कि एंड फंक्शन यूज किया है, जिसमें डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू टास्क के स्टार्ट डेट से होगी, या फिर डेट लेस देन और इक्वल टू टास्क के स्टार्ट डेट प्लस टास्क प्रोग्रेस इनटू ब्रैकेट टास्क का एंड डेट माइनस टास्क का स्टार्ट डेट प्लस वन रहेगा। ये प्लस वन इसलिए होता है क्योंकि हमें परसेंटेज में ये करेक्ट परसेंटेज दिखाना चाहिए। और फिर इस टोटल फॉर्मूला से हम करेंगे माइनस वन, तो जिससे हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नजर आएगा। तो हम इसमें कलर सिलेक्ट कर देते हैं, एक कलर फॉर्मेटिंग लेके ये हम थोड़ा डार्क कलर इसमें सिलेक्ट कर देते हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारा कितना टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो हर बार आपको नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है, आप बार चार्ट देख के भी ये पता लगा सकते हैं। अप्लाइज टू सेम रूल करेंगे और फिर इक्वल्स टू, अभी आप देख रहे हो कि जिन टास्क की प्रोग्रेस 40% 30% 20% जैसे भी है, उस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे आपको परसेंटेज आपको बार फेंट कलर में नजर आ रहा है। जैसे मैं परसेंटेज चेंज कर रहा हूँ, तो बार का कलर भी अपने आप चेंज हो रहा है। इस तरीके से हम अपने कलर बार्स को भी कोडिंग कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्रेस बार डायरेक्टली उस बार चार्ट में नजर आने लगे। और इसका फायदा यह है दोस्तों कि टुडेज डेट से पीछे वाली डेज जो हम देखेंगे, जिसमें कलर्स आपके दिखेंगे, वो टास्क आपके हाई रिस्क में, अभी जैसे ये टास्क है, ये आपके ऑलरेडी हाई रिस्क पे चले गए हैं, क्योंकि ये करंट डेट से बहुत पीछे चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से दोस्तों हम अपनी प्रोग्रेस बार भी अपडेट
कर सकते हैं डायरेक्टली अपने बार चार्ट में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अगर किसी टास्क को हमें फेड अवे करना है, जैसे 100% कोई टास्क आपका कंप्लीट हो चुका है और उसको अगर आपको फेड अवे करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सेम हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोग्रेस बार का सेल और इक्वल्स टू देंगे इसको 100%। अगर ये सेल 100% दिखाता है तो इसमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, तो ये हम इसमें देंगे। तो हम ये कलर सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये 100% दिखाएगा ये बार भी पूरा 100% फेड अवे हो जाएगा। ये हम इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि हमें जैसे बहुत नंबर ऑफ टास्क अगर लाइन में बढ़ जाते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये पूरा बार चार्ट एक साथ देखना। तो अगर हम फेड अवे इन लाइंस को कर देते हैं तो अपने आप वो उन लाइंस को देखते हुए इग्नोर करते जाता है कि ये तो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। ओके क्लिक कीजिए और फिर देखिए यहाँ पे हमारी लाइन फेड अवे होनी चाहिए थी। अभी ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारा ये जो बार चार्ट है ये 100% हमने नहीं किया था। जैसे मैं इसको 100% करके हिट क्लिक करता हूँ आप देखेंगे ये टोटल बार फेड अवे हो गया है। अब मुझे ये अपना टास्क भी इसमें हाइलाइटेड नजर आ रहा है और बार भी पूरी लाइन भी पूरी रो भी फेड अवे हो चुकी है। पर फिर भी दोस्तों मुझे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है दोनों ग्रे कलर एक साथ देखने में, तो मैं उसी फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करूंगा जो मैंने लास्ट बार चार्ट के लिए यूज किया था और यहाँ पे डालूंगा कि 100% जहाँ पे आपने देके रखा हुआ है तो ये आपका जो बार दिख रहा है उसमें प्रोग्रेस 100% का बार जो दिख रहा है वो अलग कलर में नजर आए। तो मैं कुछ अलग कलर इसका सिलेक्ट कर दूंगा, फॉर्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज वहां से जरूर कॉपी कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत समझने में नहीं आएगी। मैंने क्लिक किया ओके, उन्हीं सेल्स को मैंने अप्लाई कर दिया इस रूल को, अप्लाई ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि वो बार जो कंप्लीट हो चुके हैं वो थोड़े से अलग कलर में भी नजर आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हम दो बार्स में अलग अलग डिफरेंस कर सकते हैं, जो टास्क ऑनगोइंग है और जो टास्क कंप्लीटेड हो गए है उनके बार अलग अलग भी नजर आना शुरू हो गए हैं। अभी इस टेबल के भी 100% कंप्लीटेड रोज को मुझे फेंट अवे करना है, तो दोस्तों क्या कहने, इसके लिए मुझे एक नया रूल बनाना पड़ेगा। इस रूल में मुझे सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये सेल F5 equals to 100%। अगर होता है तो इसमें मैं F को कंट्रोल करूंगा क्योंकि मुझे कॉलम चेंज नहीं करना है, रो चेंज करनी है, तो F को मैं लॉक कर दूंगा और इसका कलर चेंज करके अप्लाई ओके। तो अभी जैसे ही मैं ओके को हिट करता हूं ये 100% टास्क की पूरी लाइन जो है वो फेड अवे फेड अवे जो भी आप कहे ये हो चुकी है। इस तरीके से अगर मैं किसी भी टास्क को अगर 100% कंप्लीट करता हूं इमिडिएटली आप देखते हो कि वो पूरी लाइन फेड अवे हो जाती है। इसकी वजह से प्रोडक्शन मैनेजर को बहुत 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 सहूलियत होती है कि जो कंप्लीटेड टास्क है वो उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और 100% टास्क को मैं इस तरीके से फिल्टर आउट भी करवा के दे सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हम गैंट चार्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मैन पावर एलोकेशन भी देख सकते हैं जो हमने सेकंड सीट में क्रिएट करके रखी हुई है। उसके लिए मैं स्पीड बढ़ा के थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूं जिससे मैं एम्प्लॉयज़ का एलोकेशन उनकी स्टार्ट डेट और एंड डेट को करवा के
ले सकता हूँ। इसमें आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव होगा। तो अभी क्विकली हमने ये सेटअप करना शुरू कर दिया है। मैंने कुछ यहाँ पे डेट्स डाली है, कुछ डेट डाल के मैं फटाफट इसको फॉर्मेटिंग कर ले रहा हूँ। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से अपने मैन पावर का एलोकेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने दूसरे सीट में, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी एम्प्लॉय का स्टार्ट डेट और एंड डेट किस तरीके से गैंट चार्ट में डिस्प्ले करना है। तो दोस्तों, हमने इस सीट में ये टेबल फॉर्मेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट, इन दोनों को हमें फॉर्मेट करना है। जैसे कि एम्प्लॉय वन के लिए आप देखोगे प्रोडक्शन टैब में हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट डाली हुई है। उसकी स्टार्ट डेट 23rd of February है और एंड डेट 14th of June है। ये मैक्सिमम एंड डेट है और ये मिनिमम स्टार्ट डेट है। जैसे कि आप ये ऊपर फॉर्मूला देख सकते हैं कि C6 इक्वल टू इफ डबल कोलन कुछ नहीं रहेगा तो इट इज नॉट गोइंग टू शो, ये कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मिनिमम वैल्यू इसमें से लेनी है तो C6 प्रोडक्शन में जाएगा, EE कॉलम रेफर करेगा और प्रोडक्शन में HH कॉलम को भी रेफर करेगा। तो देखते हैं, EE कॉलम को रेफर करेगा सिर्फ आपके प्रोडक्शन एम्प्लॉय नाम के लिए और HH को रेफर करेगा मिनिमम डेट उठाने के लिए। तो ये मैक्सिमम को भी वही लागू होता है कि मैक्सिमम के लिए II कॉलम रेफर करेगा और वहां से मैक्सिमम डेट उठाएगा, EE कॉलम कॉमन रहेगा एम्प्लॉय नेम वाला। तो आपको स्टार्ट और एंड डेट दोनों यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हर एक मैन पावर के लिए। बाकी फॉर्मेटिंग जो है गैंट चार्ट की, वो ठीक उसी तरीके से करनी है जो हमने पहले वाले सीट में देखी थी। और बाकी एम्प्लॉयज के लिए भी आपको सेम फॉर्मेटिंग करनी है, जिसकी वजह से आपको हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग स्टार्ट डेट और एंड डेट उनके पहले वाले चार्ट के हिसाब से मिलेगी। एंड डेट मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस 25 मार्च से आगे ये एम्प्लॉय फ्री है। जैसे हर एम्प्लॉय का ये वाला एंड डेट आपके लिए गाइडलाइन रहेगा, यहाँ से आपको उसको अगले टास्क के लिए अलोकेट कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यहाँ पे हम इस वीडियो को पूर्ण विराम देते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और हाँ, हमारे चैनल के हर एक वीडियो को आप बारी बारी से जरूर देखिएगा। हमने हर एक फॉर्मूला हर एक वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों आपका समय देने के लिए। गुड लक।